होली का पावन संदेश। होली पर्व सारे भारत में हर्षोल्लास का पर्व है, जिसमें छोटे बड़े का भेद भुलाकर जनमानस एकाकार होकर तरंगित होने लगता है। यह यज्ञ पर्व है, नए फसल पकने लगती है, उसके उल्लास में सामूहिक यज्ञ के रूप में होली जलाकर नवीन अन्न का यज्ञ करके उसके बाद उपयोग में लाने का क्रम बनाया गया है। कृषि प्रधान देश की यज्ञीय संस्कृति के सर्वथा अनुकूल यह परिपाटी बनाई गई है। पुराणकालीन आदर्श सत्याग्रही भक्त प्रहलाद के दमन के लिए हिरण्यकश्यप के छल परपंच सफल न हो सके, उसे भस्म करने के प्रयास में होलिका जलमरी और प्रहलाद तपे कंचन बन गए। खीज क्रोध से उन्मत्त हिरण्यकश्यप जब स्वयं उसे मारने दौड़ा तो नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर उसे समाप्त कर दिया। इस कथा की महान प्रेरणाओं को होली के यज्ञ वातावरण में उभारा जाना उपयुक्त है। होली राष्ट्रीय चेतना के जागरण का पर्व है। जहाँ वर्ग भेद है, वहाँ समस्त साधन होते हुए भी क्लेश और असतर्कता ही रहेगी। जिनमें भ्रातृत्व सहकार है, वो अल्प साधनों में भी प्रसन्न और अजय रहेंगे। इसीलिए इसे समता का पर्व भी मानते हैं। कार्य विभाजन के लिए किए गए चार प्रमुख वर्गों को महत्व देने की परंपरा रखी गई है। होली पर्व में शूद्र वर्ग को प्रधान महत्व देकर समता सिद्धांत को चरितार्थ किया जाता रहा है। इन सब प्रेरणाओं विशेषताओं को उभारने पनपाने के लिए होली पर्व का सामूहिक आयोजन अति उपयोगी है। प्रभावशाली लोक सेवी भावनापूर्वक इसके लिए प्रयत्नरत हो तो बड़े आकर्षक और प्रभावशाली रूप में यह मनाया जा सकता है। होलिका दहन वाले दिन टोली बनाकर निकले तथा घर घर से अश्लील चित्र अश्लील साहित्य मांगे, जो ऐसे चित्र दें उनके नाम नोट करते चलें। होलिका दहन के समय दोष दहन क्रम में उन सबको होली में जलाएं। होली पर चंदा हो, पूजन में चढ़ोत्तरी हो, उसे अच्छे वाक्य चित्र खरीद कर उनके यहाँ पहुँचाए जिनने अश्लील चित्र निकाल कर दिए थे। इसके लिए कुछ सद्भावनाशील संपन्नों से अलग से भी अनुदान लिया जा सकता है। होलिका दहन के दूसरे दिन सवेरे लोग धूल कीचड़ उछालते हैं, इसे सामूहिक सफाई का रूप दिया जा सकता है। गंदगी की अर्थी निकालने, सामूहिक जुलूस आदि से इस कुप्रथा को मोड़ दिया जा सकता है। ऐसे प्रयोग गांवों कस्बों में कुछ साहसी समाज सेवी आसानी से कर सकते हैं। ऐसे स्थिति ना दिखे तो केवल पर्व पूजन से ही संतोष किया जा सकता है। होली के इस पावन महात्म्य बोध के साथ हम आपको होली पर्व 2021 के पावन अवसर पर पशुपति वेलनेस सेंटर की तरफ से हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करते हैं। आपका दिन, आपका जीवन होली पर्व के इस पावन अवसर पे प्रकृति के अनंत रंग के साथ, आध्यात्म के अनंत रंग के साथ अभिषिक्त हो, अभिसिंचित हो, ऐसे हमारी मंगल कामना। आप सभी को पुनः होली पर्व की हार्दिक स्वागत अभिवादन।